करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या कसम खा लिए कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे। कैसे नहीं चलेंगे? आप बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध मैं बनो, बुद्धिस्ट बनो। आप लोगों में से कितने लोग बुद्धिस्ट हैं बता दूं मैं? 40 करोड़ लोगों में मात्र 88 लाख बौद्ध हैं। कहां बाबा साहब का सपना पूरा हुआ है? अरे बाबा साहब तो गए हुए 62 साल हो गए हैं और मात्र अब तक की 2011 की जनसंख्या जनगणना में 88 लाख बुद्धिस्ट आए हैं। अब इस समय में 2018 में जोड़ लो 1 करोड़, राउंड फिगर में 1 करोड़ लोग हैं। 40 लाख लोग जो SC ST के लोग हैं, जिनको सीधे सीधे बाबा साहब के अधिकारों से आज पशु से इंसान बन गए हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ा मानने वालों की संख्या मात्र 1 करोड़ है। तो बाबा साहब का तो मिशन अभी अधूरा है। दूसरा मिशन है बाबा साहब का, हमको इस देश का हुक्मरान बनना है। अभी हम क्यों उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता हमारा बहुजन समाज शासन सत्ता का स्वाद चखा है, इस देश में हमको शासन अपनी स्थापित करनी है। तो इसके लिए आप 2019 में आप देश की शासन सत्ता अपने हाथों में ले लीजिए, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। दूसरा जो आप अभी कर सकते हो तो आप 2019 में करेंगे, लेकिन जो दूसरा सपना है कि नीचता से अछूतपन से आपको मुक्त दिलाने का जो बाबा साहब ने रास्ता बनाया वो है बौद्ध धर्म, उसको अभी का अभी यही बैठ करके आप ठान लीजिए कि मैं गलती से दूसरे धर्म में हूँ, मैं गलती से दूसरे धर्म के रीति रिवाज को मानता हूँ, मैं उस धर्म को, मैं जब हिंदू ही नहीं हूँ तो मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाज को क्यों मानूँ। आज आपके ठान लो कि बाबा तेरा मिशन अधूरा बौद्ध बन के करेंगे पूरा, तो बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय। जय मतलब इतना समय निकालती है समाज के लिए, मतलब बहुत बहुत साधुवाद। एक सूचना है, 24 अक्टूबर को साधु पांडे पार्क में ABSS द्वारा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। और इसके बाद मैं पूजा बोझ को बुलाने से पहले एक बच्ची इलाहाबाद से आई है, शिमला बोझ, आप बिठा आओ। आने वाला समय अगर इस तरीके से चलता है आने वाला